अरहर की दाल और लौकी। देखिए पास से दिखाती हूँ आपको, अच्छी लग रही है ना देखने में, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फूडीज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी और अरहर की दाल। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च काट ली है, अदरक और लहसुन दोनों एक एक टीस्पून है जो कि कद्दूकस कर लिए हैं। आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं। एक बड़े साइज का टमाटर है बारीक कटा हुआ, एक छोटी लौकी, देखिए बड़े पीसेस में, इतने बड़े पीसेस में काटी है, और ये मेरे पास 1/4 कप अरहर की दाल है जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो दी थी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। लीजिए ये हम एक टेबलस्पून घी डाल रहे हैं इसमें। आप चाहें तो ऑयल में भी बना ले सकते हैं, हम जनरली दाल और लौकी वगैरह घी में बनाते हैं, इसीलिए हम घी डाल रहे हैं इसमें। इसको पिघलने देंगे घी को, ऑलमोस्ट पिघल ही गया है। अब डाल देंगे इसमें टमाटर, ऑटो करेंगे टमाटर को। ढक देंगे ताकि जल्दी से टमाटर मशी हो जाए। देखिए देखिए टमाटोज मशी हो गए हैं, अब हम इसमें डाल रहे हैं हींग। फोर टीस्पून जितनी हींग डाल दिया हमने, अदरक लहसुन हरी मिर्च डाल देंगे, खुशबू घी की भी आ रही है और इसके रॉ स्मेल अब जाने तक हम रुकेंगे, रॉ स्मेल खत्म हो जाएगी इसकी अदरक और लहसुन की, तो फिर हम अरहर की दाल डालेंगे। तो जब तक इसकी रॉ स्मेल खत्म होती है हम अरहर की दाल को छान लेते हैं। ये रॉ स्मेल चली गई है अदरक और लहसुन की, तो अब हम इसमें अरहर की दाल डाल रहे हैं और इसको टमाटर के साथ ही 5-6 मिनट तक हम पकाएंगे कम से कम पे, ताकि अच्छे से भून जाएगा। बीच बीच में चलाते रहेंगे क्योंकि ये चिपकनी नहीं चाहिए। अगर जरूरत हुई तो आधा टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून पानी बीच में डाल देंगे, पर इसको भूनने देना है 5 से 6 मिनट। तो एक बार ये भून जाती है तो फिर हम आगे का काम करते हैं। 4-5 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। मसालों में हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच हल्दी ऑप्शनल है यहाँ पर, आप चाहें तो बगैर हल्दी के भी बना सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं 1 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। इसको मिक्स करके अब हम मिक्स करने के बाद और लौकी छान के इसमें डाल देंगे। लौकी छान दिया हमने, अब हम इसमें लौकी डाल रहे हैं। पानी में से पानी निकाल दिया है इसको, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। मिक्स कर दिया हमने इसको अच्छे से और अब हम जो मेजरिंग कप्स होते हैं वो 1.5 कप पानी डालेंगे, ये ताकि ये दाल गल जाए और ये बहुत ज्यादा गीली सब्जी ना बने, थोड़ी लटपटी सी सब्जी चाहिए हमें। ये देखिए ये 1/2 मेजरिंग कप है जो जिससे डाल रहे हैं, तो 3 कप भर के डाल देंगे ये वाले, तो 1.5 मेजरिंग कप जितना पानी हो जाएगा इसमें।
इसको एक उबाल आने देंगे हम अब, और उबाल आने के बाद बंद कर देंगे ढक्कन और चार विसल्स देंगे। चार विसल्स में जनरली अरहर की दाल गल जाती है, और लौकी भी इसीलिए हमने बड़ी काटी है ताकि लौकी भी बहुत ज्यादा ना गल जाए। तो ये हल्का हल्का बॉयल आने लगा, बंद कर रहे हैं हम, और चार विसल्स के बाद हम गैस बंद कर देंगे। उसको कम सेक पर नहीं रखना, चार विसल्स के बाद गैस बंद कर देंगे और डीप्रेशराइज हो जाएगा तब इसको खोलेंगे। तो एक बार ये विसल्स आ जाती है, डीप्रेशराइज हो जाता है, तब हम देखते हैं इसको। लीजिए, हमें हमारी अरहर की दाल और घिया बन के रेडी है। मैंने इसमें जब खोला था कुकर का ढक्कन तो आधा चम्मच गरम मसाला मिक्स कर दिया था, और इसको हरी मिर्च और धनिया के साथ गार्निश करके और हमने सर्व कर दिया है। चपाती इसके साथ खाएंगे इसको, आप चाहें तो चावल के साथ भी खा सकते हैं क्योंकि ग्रेवी है इसमें, और ग्रेवी सुखा के खाना चाहें तो थोड़ी सी सुखा के चपाती इसके साथ भी खा सकते हैं। तो बनाइए, खाइए, पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।